मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जहां सीएम साय ने जीरो टॉलरेंस को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं कोई गलती हो रही है या जांच में सही पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में कबाड़ में पाठ्य पुस्तकें मिली थी, संज्ञान में आने के बाद दो अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद को लेकर सीएम साय ने कहा, अगर विपक्ष का यही कर्तव्य है तो हम अपना काम करेंगे। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी, हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे दो अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी, कोई भी दोषीदार कोई भी बख्शा नहीं।